अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 128 से। ऐ परवरदिगार हमारे, कर हमको हुक्म बरदार अपना और हमारी औलाद में भी कर एक जमात फरमा बरदार अपनी, और बतला हमको कायदे हज करने के, और हमको माफ़ कर, बेशक तू ही है तौबा कबूल करने वाला मेहरबान। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है UAE टारगेट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे ड्रोन स्ट्राइक की गई है यमन हौसी रेबल्स बागियों की जानिब से, तो आज के इस एडिटोरियल में हम प्रॉक्सी वार के को स्टडी करेंगे कि प्रॉक्सी वार एक्चुअली होती क्या है, यमन हौसी कौन लोग हैं, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, और इसके जवाब में रिटेलिएटरी अटैक क्यों किया है सऊदी लेड कोलिशन ने, हालांकि हमला यूएई पर हुआ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यमन से रिलेटेड जो हकायक हैं, यमन वार से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, उनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है न्यू प्रोविंस डिबेट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब पीटीआई की हुकूमत आई थी और उस हुकूमत में आने से पहले भी इन्होंने दावा किया था कि ये विद इन 100 डेज़ एक नया प्रोविंस बनाएंगे जिसको सरेकी सूबे का नाम दिया जाएगा। तो इसके ऊपर एक बार दोबारा से डिबेट स्टार्ट हुई है जब प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कराया गया है PMLN के सेनेटर की जानिब से साउथ पंजाब मूवमेंट के ज़ुमरे में। तो क्या नया सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, अगर बनना चाहिए तो इसकी क्या वजूहात होंगी, और अगर नहीं बनना चाहिए तो इसकी क्या वजूहात होंगी, ये तमाम चीज़ें इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। और जो आज का आपका क्वेश्चन है वो आपने अपनी ओपिनियन देनी है और वो थीसिस स्टेटमेंट की सूरत में देनी है कि नया सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और उसका एक लाइन में आपने लिखना है कि बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और उसको साथ में आपने सपोर्ट भी करना है अपने आर्गुमेंट के साथ। तो विद इन 2 सेंटेंस आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट दे के आज अपने अपनी ओपिनियन बतानी है ताकि इसको असेस किया जा सके। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग हैं, एंड रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से बात करें तो जो हम एडिटोरियल्स या ओपिनियन स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक तो हमारी वोकैब इम्प्रूव हो रही होती है, यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको यहाँ से मालूम हो रहे होते हैं, तो इस तरह से आप 20 नंबर्स को टैकल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स भी स्टडी कर रहे हैं तो 20 नंबर्स के करंट अफेयर्स भी होंगे, तो तकरीबन इस तरह से आप 14 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं अगर आप एडिटोरियल्स को डेली बेस पे स्टडी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। मंडे वाले दिन यानी कि सोमवार को एक बहुत ही ज़्यादा डेडली ड्रोन स्ट्राइक की गई है यमन के हौसी बागियों की जानिब से, और टारगेट किया गया है इस मरतबा UAE को, एंड सब्सिक्वेंटली रिटेलिएटरी अटैक ऑन सना है जी कैपिटल यमन का, और रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए हमला किया गया है यमन के दारुल हुकूमत सना के ऊपर सऊदी लेड कोलिशन एतिहाद की जानिब से। कुड रिज़ल्ट इन ए मेजर एस्केलेशन, इसकी वजह से जो इनके दरमियान जंग जारी है, टसल है, वो मज़ीद एस्केलेट हो सकती है, बढ़ सकती है इन एन ऑलरेडी फ्रेजाइल रीजन, ऐसे खिते में जहाँ पे पहले ही सूरत हाल बहुत ज़्यादा नाजुक है। द ईरान अलाइड हौसी मलेशिया, तो जो हौसी बागी हैं ये समझा जाता है कि ईरान इनको सपोर्ट कर रहा है, विच कंट्रोल्स द कैपिटल सना एंड लार्ज चंक्स ऑफ यमन, ये जो हौसी बागी हैं ये कंट्रोल कर रहे हैं दारुल हुकूमत सना को भी और बहुत बड़े यमन के दूसरे पार्ट्स को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल कॉमास हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस मेंटेन रहेगा। तो इस हौसी बागियों ने क्लेम किया है, दावा किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उन्होंने UAE स्ट्राइक्स की, एंड कॉल्ड अपॉन सिविलियंस एंड फॉरेन फर्म्स इन द इमारेट्स टू स्टे अवे फ्राम द वाइटल इंस्टॉलेशन, और उन्होंने कहा है जो भी सिविलियन या गैर मुल्की फर्म्स हैं इमारेट्स में वो दूर रहें और ज़रूरी इंस्टॉलेशन ना लगाएं UAE में, क्योंकि इस तरह के हमले मुस्तकबिल में भी किए जा सकते हैं। 3 पीपल वर रिपोर्टेडली किल्ड इन द अटैक्स, 3 लोग शहीद हुए हैं इन अटैक्स में जिनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, और टारगेट किया गया है ऑयल फैसिलिटीज़ को और अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। द UAE मीन वाइल रिस्पॉन्ड टू द हीनियस क्रिमिनल एस्केलेशन, UAE ने रिस्पॉन्स किया है इस विकेड इविल
मुजरिमाना एस्केलेशन को ऑन द मूवमेंट बाय पाउंडिंग सनाज अंडर द सऊदी कॉलेशन अम्ब्रेला ऑन ट्यूसडे, मंगलवार वाले दिन स्ट्राइक करके सना को सऊदी कॉलेशन अम्ब्रेला के अंडर ओवर ए डोजन फैटलिटीज वर रिपोर्टेड। तकरीबन एक दर्जन से ज़ायद लोग लुकमा अजल बने, इंक्लूडिंग दोज ऑफ नॉन कम्बेटेंट्स, उनमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो कि कम्बैट करने वाले लोग नहीं थे, यानी कि मिलिट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग नहीं थे, आम सिविलियंस थे। पाकिस्तान मीनवाइल हैज़ कंडेम्ड द वेंटन एक्ट ऑफ टेररिज्म टारगेटिंग द यूएई। पाकिस्तान ने इसी असना में मजम्मत की है इस डेलिब्रेट क्रूअल और वायलेंट एक्ट की जिसमें यूएई को टारगेट किया गया है। द फैक्ट इज़ दैट, हकीकत यह है, अनलेस द यमन क्वाग मायर इज़ एड्रेस्ड, जब तक यमन के इमरागलियों को, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हल नहीं कर लिया जाता, टैकल नहीं किया जाता एक होलिस्टिक कम्प्रिहेंसिव कम्प्लीट मैनर में, एंड ए पीसफुल रेजोल्यूशन इज़ फाउंड, और एक पुरअमन हल नहीं निकाल लिया जाता, दिस डेडली साइकिल ऑफ अटैक्स एंड काउंटर अटैक्स विल कंटिन्यू। तो ये कातलाना जो साइकिल है अटैक्स का और इसके जवाबी हमलों का, ये जारी रहेगा। इट इज़ इंडीड शॉकिंग, ये शॉकिंग है दैट हाउथी मिलिशिया हैज़ मैनेज टू पेनिट्रेट द डिफेंसिस ऑफ यूएई, के जो हौसी बागी हैं उन्होंने पेनिट्रेट किया है यूएई के दिफा को। यूएई जिसको एक ऐसी स्टेट समझा जाता है जो कि बिलियन ऑफ डॉलर खर्च करती है अपने डिफेंस बजट पे। हाउएवर ताहम द यमनी रेबल ग्रुप हैज़ शोन द कैपेबिलिटी ऑफ स्टेजिंग अदर लो टेक बट हाईली डिवास्टेटिंग अटैक्स बिफोर, लेकिन माजी में भी जो यमनी बागी ग्रुप है ये सलाहियत दिखा चुका है कि ये लो टेक लेकिन बहुत ज़्यादा तबाहकुन अटैक्स कर सकते हैं। सच एज दोज टारगेटिंग सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ इन 2019, जिस तरह से इन्होंने अटैक किया था 2019 में सऊदी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर। इट इज़ अनलाइकली सच कैपेबिलिटीज़ हैव बीन डिवेलप्ड विदाउट ईरानियन असिस्टेंस, ऐसा नज़र नहीं आता कि इस तरह की सलाहियत डिवेलप हो सकती है ईरान की मदद के बगैर। इंडिकेटिंग, तो ये तमाम चीज़ें जाहिर करती हैं दैट यमन इज़ वेरी मच ए प्रॉक्सी बैटल फील्ड, कि यमन एक प्रॉक्सी बैटल फील्ड है जहाँ पे रियाज और जो तहरान है रीजनल पावर और असर इन्फ्लुएंस क्लाउड हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्रॉक्सी वार ऐसी वार होती है जो दो मुल्क आपस में डायरेक्टली नहीं फाइट करते और किसी दूसरे मुल्क में जाके फाइट करते हैं। हाउएवर ताहम कार्ट इन द मिडल ऑफ जियोपॉलिटिकल बैटल हैव बीन द हेल्पलेस पीपल ऑफ यमन, ये जो जियोपॉलिटिकल जंग चल रही है इसके दरमियान में जो पिस रहे हैं वो अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत हेल्पलेस लोग हैं यमन के। सिंस द सऊदी लेड इंटरवेंशन इन 2015, जब से सऊदी लेड इंटरवेंशन हुई है, मदाखलत हुई है 2015 में, यमन सिविलियंस हैव हैड टू लिव अंडर द कॉन्स्टेंट शेडो ऑफ बम्स विद डिजीज एंड फेमाइन फर्दर डेसीमेटिंग द पॉपुलेशन। तो यमन के जो सिविलियंस हैं आम लोग हैं उनको बम्स के अंडर, बीमारी के अंडर और कहत के अंडर रहना पड़ रहा है जिसने डिस्ट्रॉय कर दिया है पॉपुलेशन को। द अरब कोलिशन, अरब कोलिशन के बारे में बताया गया है कि जिसको सपोर्ट किया जा रहा है मगरब की जानिब से, हैज़ ऑफन इनडिस्क्रिमिनेटली बॉम्ब मार्केट्स स्कूल एंड वेडिंग्स काजिंग हाई सिविलियन कैजुअल्टीज़, जिन्होंने बगैर किसी इम्तियाज़ के बम बरसाए हैं मार्केट्स के ऊपर, स्कूल्स और शादी हालों के ऊपर, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे सिविलियन अमवात हुई हैं। द हाउथी ऑन द अदर हैंड हैव लॉन्च अटैक्स ऑन सऊदी अरेबिया एंड यूएई, दूसरे हाथ पे हाउसी बागियों ने भी हमले किए हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के ऊपर, जिसकी वजह से मिलिट्री और सिविलियन अमवात हुई हैं। द बेस्ट अप्रोच टू एंड दिस फ्यूटाइल वार, सबसे बेहतरीन हिकमत अमली इस वर्थलेस फ्रूटलेस वेन वार को ख़त्म करने की ये होगी, टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ इंटायर रीजन, और तमाम खित्ते की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, इज़ फॉर ऑल द फॉरेन फोर्सेस एंड यमनी अलाइज टू सपोर्ट ए सीज़ फायर, के जो तमाम बैरूनी फोर्सेस हैं और यमनी इतिहादी हैं वो सीज़ फायर को सपोर्ट करें एंड इनक्रेज नीगोशिएटेड सेटलमेंट, और बातचीत के ज़रिए इसका हल निकालें। सऊदी अरेबिया एंड ईरान शुड टेक द लीड इन दिस प्रोसेस, सऊदी अरेबिया ईरान को इस अमल में लीड लेनी होगी। अर्जिंग द यमनी गवर्नमेंट एंड द हाउथीज रेस्पेक्टिवली टू एंड हॉस्टिलिटीज़, और प्रोवोक करना होगा यमन की हुकूमत को और हौसी बागियों को कि वो इस दुश्मनी को ख़त्म करें। इट इज़ ऑल्सो द फैक्ट, ये भी हकीकत है दैट अलाइज रियाद एंड अबू धाबी हैव बीन सपोर्टिंग राइवल फैक्शन विद इन यमन, के इतिहादी जो हैं अबू धाबी और रियाद ये सपोर्ट कर रहे हैं जो यमन में राइवल फैक्शंस हैं हौसी बागियों की उनको, विच हैज़ फर्दर कम्प्लिकेटेड मैटर्स, जिसकी वजह से मामलात मज़ीद पेचीदा हो गए हैं।
फॉलोइंग द यूए अटैक्स, यूएई के अटैक्स के बाद यूएनए के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है ऑल पार्टीज़ को कि वो मज़ीद रेस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट पे एक्ट करें और मज़ीद एस्केलेशन से प्रिवेंट करें, अवॉइड करें। इन द प्रेजेंट कम्बस्टिबल सिचुएशन, मौजूदा फ्लेमेबल सूरत हाल में, दिस इज़ सेज एडवाइस, ये एक प्रूडेंट वाइज अकलमंदाना नसीहत है। डी एस्केलेशन बाई ऑल साइड मस्ट बी फॉलोड, तमाम साइड्स की जानब से जंग बंदी पे अमल किया जाना चाहिए और बिल्कुल मुखलसाना काविशें की जानी चाहिए यमन वार को ख़त्म करने के लिए, और एल्स रीजनल पीस एज वेल एज द ग्लोबल इकॉनमी विल टेक ए मेजर हिट, नहीं तो जो खित्ते का अमन है और आलमी जो मीशत है उसको मेजर हिट होगी। शुड दिस कन्फ्लिक्ट स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल, अगर ये जो झगड़ा है, कन्फ्रंटेशन है, कन्फ्लिक्ट है, स्प्रेड हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल चला गया। नेक्स्ट एडिटोरियल है हमारा न्यू प्रोविंस डिबेट, यहाँ पे आपको अपना क्वेश्चन याद ही होगा कि आपने अपनी ओपिनियन देनी है कि न्यू प्रोविंस बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए, और इसकी रीज़न भी आपने साथ में देनी है। द प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस कराया गया है, मुतारफ़ कराया गया है, कमेंस किया गया है PMLN के सेंटर की जानब से, जो कि सीख कर रहे हैं एक न्यू प्रोविंस साउथ पंजाब में, अमाउंट्स टू ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पोलिटिकल इशू। तो इसके ये ओवर सिंप्लीकेशन है, यानी कि ज़्यादा सिंप्लीफाई किया गया है एक पेचीदा आइनी और सियासी मसले को। हाउएवर ताहम द इनिशियल रिस्पांस फ्राम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ टू द बिल, जो इब्तदा में रिस्पांस आया है बड़ी सियासी जमातों की जानब से इस बिल की जानब, सेज़ ए लॉट अबाउट द रिटॉरिक देयर लीडरशिप व्यूज, तो ये बहुत चीज़ें बताती है उस बयानबाजी के बारे में जो कि उनकी लीडरशिप एमिट करती है, एक्सपेल करती है एवरी नाउ एंड देन रिगार्डिंग द इशू फ्राम टाइम टू टाइम ओकेजनली इस मामले से मुतल्लिक। द रिटॉरिक विल इंक्रीज, ये जो बयानबाजी है मज़ीद बढ़ेगी क्योंकि 2023 का जो पोल्स हैं वो आ रहे हैं, अपेरेंटली ऐसा नज़र आता है पाकिस्तान पीपल पार्टी वाहिद बात है जो इस आइडिया को, इस ख्याल को सपोर्ट करती है। द रीजंस बिहाइंड द हेजिटेशन ऑफ रूलिंग PTI एंड PMLN आर ईजी टू अंडरस्टैंड, जो वजूहात हैं PTI और PMLN की हिचकिचाहट के पीछे उनको आसानी से समझा जा सकता है। आगे बता भी दी गई हैं रीजन, द पार्टी इज़ कम्पीटिंग फॉर पावर इन इस्लामाबाद और इन द प्रोविंस, पार्टीज़ जो कि वफाक में हुकूमत के लिए या फिर सूबे में हुकूमत के लिए सेंट्रल पंजाब के थ्रू कम्पीट कर रही होती हैं, वो ये तकसीम कभी भी नहीं चाहेंगी। देयरफॉर इसलिए वी हैव सीन, हमने ये देखा PMLN डाइल्यूट द इशू ऑफ सराकी सूबा, PMLN ने इस जो मसला था सराकी सूबा का इसको डाइल्यूट किया, इसको लिंक करके भावलपुर प्रोविंस के साथ। इन जनवरी 2019 द पार्टी मूव्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पार्टी ने मूव की एक आइनी तरमीम बिल नेशनल असम्बली में फॉर टू न्यू यूनिट्स इन द साउथ पंजाब, के साउथ पंजाब में दो नए यूनिट्स बनाए जाएँ, साउथ पंजाब होगा दूसरा भावलपुर यूनिट होगा। लाइक वाइज इसी तरह से PTI विच हैड प्रॉमिस्ड ए सेपरेट प्रोविंस विद इन 100 डेज, PTI जिसने वादा किया था कि वो एक अलहदा सूबा बनाएंगे 100 दिनों के अंदर अंदर जब ये ताकत में आएंगे, कंटिन्यूज टू ड्रैग इट्स फीट ऑन द इशू, तो वो इस मसले को डिले कर रहे हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल, इट गेव ए स्केची प्लान फॉर क्रिएटिंग द प्रोविंस, इन्होंने एक प्लान दिया था नया प्रोविंस बनाने का, बट हैज़ नॉट मूव्ड सिंस द चेंज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टर्निंग इट इनटू रियलिटी, और तब से इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं शो की आइन में तब्दीली लाने की ताकि इसको हकीकत में बदला जा सके। आर्ग्यूइंग दैट, ये दलायल देते हुए, इट लैक्स द 2/3 मेजॉरिटी, कि इनके पास 2/3 अक्सरियत की कमी है रिक्वायर्ड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आइन को तरमीम करने के लिए ज़रूरी होती है। तो अगर हम इस दावे को देखें तो इसको कंट्रडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि हाल ही में इन्होंने स्टेट बैंक की अटॉनमी का बिल पास करवाया है और इसी तरह से जो टैक्स एग्जम्पशंस थी उनको भी विड्रॉ किया गया है। अगर इस तरह के कंट्रोवर्शियल बिल्स को पास कराया जा सकता है और इसके लिए इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है, तो इस मामले के लिए भी यकीनी तौर पर इनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं पास करवाना चाह रहे, एक तो पोलिटिकल रैंगलिंग है, दूसरी वजह आगे चल के हम स्टडी करते हैं। रिंग फेंसिंग देयर शेयर, रिंग फेंसिंग होता है कि गारंटी दैट फंड्स एलोकेटेड फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस विल नॉट बी स्पेंड ऑन एनीथिंग एल्स, तो इस सूबे के लिए जो दिए गए थे डेवलपमेंट फंड्स सदरन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जनूबी अजला के लिए, उनको रिंग फेंस किया गया है और इसके साथ साथ एस्टेब्लिश किया गया सेक्ट्रेट
डू नॉट मेकअप फॉर द सेपरेट यूनिट, तो ये एक अलहदा यूनिट के लिए मेकअप नहीं करते। द डिमांड फ्राम सिराकी सूबा इज़ नॉट न्यू वन, सिराकी सूबे की जो डिमांड है वो नई नहीं है। इन द रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में ताहम, इट हैज़ गॉन सिग्निफिकेंट सपोर्ट फ्राम दी सिराकी स्पीकिंग मिडल क्लासेस, तो इसने गैदर की है, कलेक्ट की है बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो सिराकी स्पीकिंग मिडल क्लासेस हैं उनकी जानब से। वाइल द नॉन प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द मूवमेंट वांट पंजाब्स डिवीजन अलॉन्ग एथनो लिंग्विस्टिक लाइन, जो सपोर्टर हैं इस मूवमेंट के वो चाहते हैं पंजाब को तकसीम किया जाए लैंग्वेज और कल्चरल लाइंस पे। देर आर मैनी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हु सपोर्टेड, जो इसकी सपोर्ट करते हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके खित्ते में एडमिनिस्ट्रेशन को। इन ईदर केस, जो भी केस हो, पंजाब्स डिवीजन इज़ गोइंग टू प्रोवाइड इम्पीटस टू कॉल फॉर न्यू प्रोविंसेस, पंजाब की जो तकसीम है ये स्टिमुलस प्रोवाइड करेगी नई प्रोविंसेस की डिमांड को दूसरे एरियाज में भी, जैसा कि हज़ारा का प्रोविंस है एज़ इंडिकेटेड बाय पीएमएलएन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद, जैसा कि इंडिकेट किया गया है पीएमएलएन के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की जानिब से, जिन्होंने कहा कि एक नया सूबा बनाना नया पिंडोरा बाक्स ओपन कर सकता है विच द कंट्री कुड नाट अफोर्ड डक जस्ट नाउ, जो कि मुल्क अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडीड, बेशक इट विल नॉट स्टॉप देयर, ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, एज ही सेड, जैसा कि उन्होंने कहा, नो पार्टी कैन अफोर्ड टू बरी इट्स हेड इन द सैंड, कोई भी पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती अनप्लीजेंट रियलिटीज़ को, हकायक को। द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, वेदर और नॉट दे सपोर्ट द सिराकी सूबा, आया कि वो सपोर्ट करें या ना करें सिराकी सूबा को, मस्ट असरटेन पब्लिक सपोर्ट फॉर द लेटर, उनको इस मकसद के लिए फाइंड आउट करनी होगी अवामी सपोर्ट। इफ़ द मेजॉरिटी ओपिनियन सपोर्ट्स इस, अगर अक्सरियत इस ओपिनियन को सपोर्ट करती है, पॉलिटिशियंस फ्राम अक्रॉस द डिवाइड, तो जो सियासतदान हैं तमाम हलकों से, शुड गेट द बॉल रोलिंग, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं पार्लियामेंट में इस डिबेट को फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस, नए सूबे को बनाने के लिए डिबेट स्टार्ट की जा सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, दो वजूहात हैं, एक तो जो पहली वजह है वो पॉलिटिकल रैंगलिंग है, यानी कि पीएमएलएन और पीटीआई का स्ट्रांग होल्ड है पंजाब में, अगर इसकी डिवीज़न होती है तो ये दो अलग सूबे बन जाएंगे, तो उस तरह से पावर गेन करना मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह पहले जो पंजाब में हुकूमत में आता है तो अल्टीमेटली वफाक में भी उनकी हुकूमत बनती है। तो इस तरह से जब डिवीज़न हो जाएगी तो जो पंजाब में हुकूमत बनेगी, पंजाब क्योंकि डिवाइड होगा तो वो वफाक में हुकूमत नहीं बना सकेंगे, तो पहला मसला ये है। दूसरा मसला ये है कि न्यू प्रोविंसेस की डिमांड स्टार्ट हो सकती है सिंध में भी और केपीके में भी, जिसकी वजह से एक नया सूबा पंजाब को डिवाइड करने के लिए नहीं बनाया जा रहा। आल्दो कोशिश की गई थी, सेक्रेटेट बनाया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे इसको सेपरेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो एनफ नहीं थी। तो ये अब आपने बताना है थोड़ी रिसर्च करके, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पहले से मालूम होगा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों तो उनको बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, या फिर वो अगर बड़े हों तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया को बेहतर बनाया जा सकता है। ये जी ब्रीफ एनालिसिस था आज के एडिटोरियल्स का, जिसमें हमने न्यू प्रोविंस की डिबेट को स्टडी किया और यमन वार को थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई आपकी सजेशन हो, क्वेश्चन हो तो ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।